हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज से शुरू होगी डॉन ऑफ एक्स की स्टोरी, और आज हम इसका वॉल्यूम 1 का इशू देखेंगे जिसका नाम है मैरेड वर्स। दोस्तों, इस वॉल्यूम का पहला इशू मेरे चैनल पर अपलोड है एक्समैन के नाम से, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हो। तो आज के इशू में हम देखने वाले हैं कि क्रकोवा का पूरी दुनिया पर कैसा असर हुआ है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो मैं एक्समैन इशू की एक बड़ी टाइमलाइन कवर करने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे, और इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेंट्रल पार्क, जहां पर स्ट्रॉम और नाइट क्रॉलर कुछ म्यूटेंट बच्चों के साथ क्रकोवा गेट के सामने खड़े थे। तभी वो बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, जिस पर स्ट्रॉम कहती है कि ये क्रकोवा का दरवाजा है जहां पर सारे म्यूटेंट सेफ है। क्रकोवा एक ऐसा आइलैंड है जो खास म्यूटेंट के लिए बनाया गया है, और आज से कभी भी ऐसा फ्यूचर नहीं होगा जहां पर म्यूटेंट्स का खात्मा होगा। तभी वहां पर खड़ी किटी प्राइड कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है। किटी प्राइड असल में एक म्यूटेंट है जिसके पास ऐसी शक्तियां है कि वो चीजों के आर पार हो सकती है। ये कहते ही किटी प्राइड उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है, लेकिन अचानक से वो उस दरवाजे से टकरा जाती है और उसका नाक फूट जाता है, और ये देखकर स्ट्रॉम और नाइट क्रॉलर भी डर जाते हैं। किटी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो म्यूटेंट होने के बाद भी क्रकोवा उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। फिर 6 दिनों बाद किटी एक बोट में बैठकर जा रही थी, और साथ में उसके पास लोगन के लिए राशन भी था। तभी वहां पर लॉकहीड आ जाता है। तभी किटी देखती है कि वो क्रकोवा के किनारे पर आ चुकी है, और वो क्रकोवा से पूछने लगती है कि उसने ऐसी क्या गलती की है। तभी वो फिर से क्रकोवा के दरवाजे के पास आती है और उसे छूकर देखती है, लेकिन इस बार भी उसके लिए दरवाजा नहीं खुला था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी एक म्यूटेंट बच्चा किटी के पास आता है और उसे पूछता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उस म्यूटेंट में से हो जो अंदर जा नहीं सकते हैं। ये सुनकर वो फिर से परेशान हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर आइसमैन आ जाता है और किटी से पूछता है कि क्या वो अभी भी जा सकती है क्या, जिस पर किटी ना कहती है। लेकिन तभी वहां पर लोगन आ जाता है जो तैरते हुए बोट के पास जाता है और वहां से उसका राशन ले लेता है। तभी किटी लोगन को देखकर कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि 5 ने उसे फिर से जिंदा किया। तभी किटी आइसमैन को बताती है कि उसके पास एक ऑफर है जो काफी अजीब है, लेकिन तभी आइसमैन उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ इस दरवाजे से कोई आ नहीं रहा है, और ये कहते ही वो उस दरवाजे से चला जाता है और किटी वही खड़ी रहती है। तभी उसे एमा फ्रॉस्ट कांटेक्ट करती है और किटी को अपने ऑफिस बुलाती है। फिर किटी एमा से मिलती है। तभी किटी उसे पूछती है कि उसे क्यों बुलाया है, जिस पर एमा कहती है कि उसे किटी पर भरोसा है, जिस पर किटी उसे पूछती है कि किस बात पर, जिस पर एमा कहती है कि किटी अपने पूरे लाइफ में लड़ती आई है और इसीलिए वो इसके लायक है। तभी आगे एमा कहती है कि क्रकोवा गेट तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है और इसका तुम्हें फायदा उठाना पड़ेगा, और तब एमा उसे अपना प्लान बताती है। एमा किटी को बताती है कि वो लाइफ सस्टेनिंग ड्रग्स के जरिए अच्छी खासी इकोनॉमी बनाने चाहती है, लेकिन उसके साथ उसे ब्लैक मार्केट को भी कंट्रोल करना है, और इसी के साथ वो किटी को अपनी नई कंपनी की कैप्टन बनाना चाहती है, और इसके लिए वो उसे एक शिप देना चाहती है, और कहती है कि वो जिसे चाहे वो अपने साथ रख सकता है, और साथ ही कहती है कि वो उन सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ ले और क्रकोवा लाए जिन्हें क्रकोवा आने में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ रशिया में क्रकोवा के दरवाजे के जरिए आइसमैन अंदर आ जाता है और देखता है कि उसका स्वागत करने के लिए रशिया के मिलिट्री के लोग खड़े थे। तभी आइसमैन कहता है कि वो क्रकोवा से आया है और वो यहाँ सिर्फ म्यूटेंट्स को लेने आया है, लेकिन तभी वहाँ पर फोबोस नाम का एक आदमी आ जाता है जिसने टेक का इस्तेमाल करके एक नया आर्मर बनाया था, और वो आइसमैन से कहता है कि रशिया के म्यूटेंट्स कहीं नहीं जाएंगे, या तो वो देश की सेवा करेंगे या फिर मर जाएंगे, और ये कहते ही वो आइसमैन पर अटैक करता है। तभी आइसमैन देखता है कि उसके अटैक करने पर वो अब पावरलेस हो चुका था, और वो समझ जाता है कि फोबोस के पास पावर डैम्परिंग की पावर है जिसके कारण वो किसी भी म्यूटेंट की पावर को ड्रेन कर सकता है। ये देखते ही आइसमैन तुरंत दरवाजे के अंदर घुस जाता है और वहां खड़े गार्ड्स उस पर फायरिंग कर देते हैं। यहां पर आइसमैन अंदर आने के बाद देखता है कि किटी ने लोगन की रखी हुई शराब पीकर फुल नशे में थी।
तभी आइसमैन कहता है कि रशिया में सिचुएशन खराब है और हमें कुछ करना होगा। ये सुनते ही केटी उसे अपने साथ बोट पर आने के लिए कहती है और साथ में स्टॉर्म को भी बुलाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम ताइवान देखते हैं, जहां पर एक औरत जिसका नाम है झाओ, उसने एक मोर्चा निकाला हुआ है क्योंकि उसका हस्बैंड अचानक से गायब हो गया है और उसका ये मानना है कि वो क्रकोवा के दरवाजे से गया था और गायब हो गया है, इसीलिए वो म्यूटेंट्स के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि उसे बात करनी है, जिस पर मिसेज झाओ पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसका नाम है बिशप और वो क्रकोवा से आया है। तभी बिशप उसे बताता है कि क्रकोवा के एंट्री में कहीं पर भी उसके हस्बैंड का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन मिसेज झाओ को लग रहा था कि बिशप झूठ बोल रहा है और वो वहां से चली जाती है। तभी बिशप प्रोफेसर एक्स को कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर हमें दोबारा से बोट दिखाई देती है जहाँ पर किटी, स्ट्रॉम और आइसमैन जा रहे थे। तभी अचानक से बोट में से पायरो बाहर आता है जो वहां पर सो रहा था। आइसमैन उसे देखकर समझ जाता है कि वो ओरिजिनल पायरो है। तभी आगे पायरो बताता है कि वो यहाँ पर इस बोट को चुराने आया था, लेकिन फिर उसे नींद लग गई। तभी केटी कहती है कि रशिया पहुंचते ही सबसे पहले हमें उस आर्मर वाले को ठिकाने लगाना होगा। यहाँ पर क्रकोवा गेट के सामने फोबोस खड़ा था, लेकिन तभी स्ट्रॉम पीछे से उस पर अटैक करती है, लेकिन फोबोस उन दोनों पर अटैक करता है और उनकी पावर्स ड्रेन कर देता है। लेकिन तभी पीछे से किटी आती है और उसके आर्मर पे घुसकर उसका आर्मर तोड़ देती है और मौके का फायदा उठाकर स्ट्रॉम और आइसमैन उन म्यूटेंट्स को छुड़ाने लगते हैं और किटी वहां अकेले सारे गार्ड से लड़ने लगती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाने लगती है। तभी एक गार्ड किटी पर फायर करता है, लेकिन केटी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और वो उसकी गन छीनकर उस पर ही अटैक करती है। तभी एक गार्ड एक टैंक से केटी पर अटैक करता है, लेकिन केटी उस टैंक में घुसकर उसमें बॉम्ब फेंकती है और बाहर आ जाती है। तभी एक गार्ड केटी पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन केटी उसे उसकी तलवार छीन लेती है और उसे बेहोश कर देती है और वो तलवार अपने पास रखती है। तभी वहां पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर पायरो और लॉकहेड आ जाते हैं जो वहां पर आग लगाकर उन्हें रोक के रखते हैं। ये सब कुछ देखकर एक म्यूटेंट वहां पर अपना कैमरा चालू करती है। तभी किटी उस कैमरा की ओर देखती है और कहती है कि अगर कोई म्यूटेंट को क्रकोवा आने में तकलीफ हो रही है तो हमें बताएं, क्योंकि हम हैं मैराडुअर्स जो आपको लेने आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद बोट पर स्ट्रॉम किटी से कहती है कि उसे मैराडुअर नाम पसंद नहीं है, जिस पर किटी कहती है कि उसे उस वक्त कोई और नाम सूझ नहीं रहा था। तभी किटी स्ट्रॉम से पूछती है कि क्या वो उसके साथ काम करेगी, जिस पर स्ट्रॉम कहती है कि दुनिया में कई सारे म्यूटेंट हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए वो मदद करेगी, लेकिन एमा को तुम्हें संभालना होगा। तभी एमा किटी को कॉन्टैक्ट करती है और उसे पूछती है कि उसका क्या जवाब है, जिस पर किटी कहती है कि वो कैप्टन बनने के लिए तैयार है। तभी आइसमैन पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, जिस पर किटी प्राइड कहती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और एक एहसान करना कि आज के बाद मुझे केट कहना। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।